हेलो एवरीवन, आज मैं आपके पास एक नया और फ्रेश वीडियो के साथ मैं हूं दीपक दास और आप सभी का स्वागत है दीपक दास ब्लॉग पर। तो गाइस, आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी, और वो स्टोरी है हमारे आपके सबके चहेते प्यारे भगवान यानी श्री राम भक्त हनुमान जी के बारे में, जिन्हें लोग बजरंग बली के नाम से भी जानते। पर क्या गाइस, आपको पता है कि हनुमान जी का नाम बजरंग बली क्यों और कैसे पड़ा? नहीं ना? तो चलिए आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार मेरे इस चैनल को विजिट किया है तो जल्द से जल्द जाके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे इस चैनल को आपको हर तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो गाइज, चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, जब हनुमान जी ने माता सीता को अपने मांग में सिंदूर भरते हुए देखा तो उन्होंने जिज्ञासा पूर्वक माता सीता से पूछा कि आप अपने मांग में सिंदूर क्यों भरते हैं। तब माता सीता ने उन्हें उत्साहपूर्वक जवाब देते हुए कहा कि वे प्रभु श्री राम की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने मांग में सिंदूर भरते हैं। और ये सुनके हनुमान जी सोचने लगे कि जरा से सिंदूर लगाने से अगर श्री राम को इतनी ज्यादा लाभ होता है तो पूरे शरीर पे अगर सिंदूर लगा लिया जाए तो कितना लाभ होता होगा। फिर क्या था, हनुमान जी ने एक बड़ी से सिंदूर की डिब्बी लेके अपने पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लिया, फिर सीधा श्री राम के पास चल दिए। सिंदूर में लिपटे हुए हनुमान जी को देख के भगवान श्री राम भी चकित रह गए और वे जोर जोर से हंसने लगे। श्री राम जी ने हनुमान जी से अपने सिंदूर लगाने के पीछे का कारण पूछा तो हनुमान जी ने बताया कि माता सीता आपकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने माथे में सिंदूर लगाते, इसलिए मैंने भी अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगाया। तो प्रभु श्री राम अपने भोले भक्त हनुमान जी के अपार प्रेम और भक्ति को देख के बहुत प्रसन्न हुए और भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं आपके अपार प्रेम और भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब से लोग आपको बजरंग बली के नाम से भी जानेंगे। बजरंग बली शब्द में बजरंग का अर्थ है नारंगी और बली का अर्थ है शक्तिशाली, इस प्रकार उन्हें बजरंग बली नाम से भी जाना जाता है। तो गाइज, आज का ये वीडियो यही तक था। तो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि मेरे कोई भी अपकमिंग वीडियो आप मिस ना करो। और गाइज, अगर आप भी प्रभु श्री राम के भक्त है तो कॉमेंट सेक्शन पे जाके एक बार जय श्री राम जरूर लिखे। थैंक यू सो मच।